हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। और आज का जो मेरा एक छोटा सा टॉपिक है वो है पर्संस। इंग्लिश में ये पर्संस क्या होते हैं? देखो, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं जिसको मैं विस्तार से बताऊंगा। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनकी ज़रूरत जो है हमें पड़ेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने में। और जब हम नीड का यूज़ पढ़ेंगे, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त। तो इसलिए मैं इसके बारे में पहले आपको बताऊं कि पर्संस होते क्या हैं। फर्स्ट पर्संस जो होता है, जो व्यक्ति बात करता है किसी से, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जिससे हम बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप सेकंड पर्सन है। जो बात करता है वो तो फर्स्ट पर्सन है, और जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैं आपसे बात करता हूं, मेरा एक दोस्त है और जिसका नाम है सुबोध कुमार, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो इस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने मित्र के बारे में बात कर रहा हूं सुबोध कुमार के, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन। और जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं अपने मित्र के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन है। देखिएगा, यहां पर आप समझते हैं फर्स्ट पर्सन, मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होते क्या है? इंग्लिश में मित्रों दो फर्स्ट पर्सन है, एक है आई और वी। आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। यू सेकंड पर्सन कहलाता है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यू सेकंड पर्सन है आप। और थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही, सी, इट, दे या कोई भी अन्य, सभी लोग थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ही, सी, इट, दे या कोई भी व्यक्ति। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति थर्ड पर्सन होगा। किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, वो वस्तु या कोई स्थान है, इस तरह से सभी चीजें वो थर्ड पर्सन कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पर्संस के बारे में। अब मिलता हूं आपको अगले वीडियो में मित्र।